नमस्कार दोस्तों, आपका राजस्थान एंड भारत जी के चैनल में स्वागत है। आइए करंट अफेयर की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 27 मार्च 2018 को आतंकवाद प्रतिरोध पर भारत अमेरिका संयुक्त कार्यदल की 15वीं बैठक कहां पर संपन्न हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2018 को भारत मिश्र संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो 7वीं बैठक वो भी नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, यानी नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, 4 से 5 अप्रैल 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 7वां मास्को सम्मेलन रूस में संपन्न हुआ, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा, निर्मला सीतारमण ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 16 से 17 मार्च 2018 को राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो प्रश्न सारे हैं वो सम्मेलन से संबंधित है, सम्मेलन और बैठक से संबंधित क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो सही आंसर इसका भी होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 10 से 11 मार्च 2018 के मध्य प्रथम भारत फ्रांसीसी ज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये भी कहाँ पर हुआ था? ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 7 से 9 मार्च 2018 के मध्य 5वां विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, मेक्सिको में ये संपन्न हुआ था 2018 का सम्मेलन, 7 और 9 मार्च के मध्य। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है, यानी टीबी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है कब तक का है? तो उनका है वर्ष 2025 तक। तो यहाँ पर कुछ व्याख्या भी की गई है, 13 मार्च 2018 को, कितनी मार्च, 13 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन यानी नई दिल्ली में आयोजित टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि टीबी शिखर सम्मेलन, उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया था। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2018 को विंग्स इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आयोजन हैदराबाद में किया गया था। अगला है, 27 मार्च 2018 को भारत कोरिया बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 27 फरवरी को, और कौन सा भारत कोरिया बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। 13 फरवरी 2018 को भारत रूस कृषि व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो सम्मेलन से संबंधित है, आयोजन से संबंधित है, बैठक कब हुई थी इसे, तो ये भी कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, 21 से 22 दिसंबर 2017 को सत्रहवीं भारत विज्ञान संचार कांग्रेस 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2017 को भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 20वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो 20वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? नई दिल्ली में ये संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 11 से 14 दिसंबर 2017 के मध्य ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली। तो इसमें लगभग जो आंसर आ रहे हैं वो नई दिल्ली ही आ रहे हैं, और इसी प्रकार के हमने क्वेश्चन वो 31 में किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना बन रही है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 दिसंबर 2017 के मध्य विश्व वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेद सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका भी सही आंसर होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार की एक क्वेश्चन की हमारे पास श्रृंखला थी। अगला क्वेश्चन है, 11 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य दूसरे यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनेस्को
विश्व पर्यटन एवं संस्कृति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मस्कट यानी ओमान में ये हुआ था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इस प्रकार का करंट अफेयर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।